तो मैं अभी लंच बनाने जा रही थी, तो मैं सोची कि चलो ये सिंपल सी परवल की सब्जी बिना प्याज लहसुन वाली भी आप लोग के साथ शेयर कर दूं। तो चलो फिर बनाते हैं परवल आलू की सब्जी बिना प्याज लहसुन के, कम तेल में। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने परवल को छील के काट के धो लिया है, और मैंने इसके लिए आलू लिए हैं। कच्चे परवल नहीं खाते तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए उनके लिए तो कुछ ऑप्शन रखना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आलू इसमें एक भी डाल सकती थी, लेकिन मैंने बच्चों के लिए दो एक्स्ट्रा डाला है, एक श्रेयांश एक पीहू, तो वो आलू के साथ खा लेंगे। और खाने में मैं दाल राइस और ये परवल आलू की सब्जी बना रही हूँ। ठीक है, तो चलो फिर बनाते हैं परवल आलू की सब्जी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है। अभी अभी इसमें मैं तेल डाल दूंगी, थोड़ा सा ही तेल। ठीक है, अभी ये गरम हो जाए तो फिर इसमें, और ये सरसों का तेल में ना थोड़ा गरम होके ही कुछ डालना चाहिए, नहीं तो उसका कच्चापन रह जाता है। थोड़ा सा तेल गरम हो जाए तो ही डालो। देखो अभी तेल हमारा गरम हो गया है, तो इसमें हम डाल देते हैं परवल। अभी इसमें मैंने सारे परवल डाल दिए हैं, अभी इसको रेड होने तक इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, इसको मीडियम फ्लेम पे कर देती हूँ और ढक के इसको रेड होने तक इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, तब तक मैं, जब तक ये फ्राई हो तब तक मैं दाल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर आगे का बताती हूँ। अभी मैंने इधर दाल चढ़ने के लिए गैस पे रख दी है दाल बनने के लिए, तो ये ठीक है। चलो फिर इसका ढक्कन लगा देते हैं। तो इधर मैंने राइस इसमें चढ़ा दिया, ये इसमें दाल और इसमें सब्जी बन रही है, तो मैं सब्जी चेक कर लेती हूँ। ये अभी और पकेगा। तो ये हमारा परवल फ्राई हो गया, देखो। ठीक है, इस स्टेज तक हम ऐसे इतना रेड होने तक हम इसको भूनेंगे। मैंने वापस इसमें देखो एक चम्मच के करीब तेल डाल दिया है, और ये आलू मैंने बॉइल्ड आलू को वैसे ही हाथ से जैसे मैं तोड़ती हूँ ना वैसे तोड़ के रख तोड़ लिया है, और इसको मैं अभी इसको भी फ्राई कर लूंगी। ठीक है, इसको भी हम रेड होने तक भूनेंगे। ठीक है, फ्राई करेंगे। और बिना प्याज लहसुन का जो सब्जी बनाते हैं ना, तो इसमें अगर आप आलू बॉयल कर लो ना, जैसे कि गोभी की सब्जी परवल की सब्जी, आलू बॉयल कर लो ना, आलू बॉयल करके बनाओगे ना जैसे मैं बता रही हूँ, सच में बहुत टेस्ट लगता है। आप जरूर ट्राई करना और फिर देखना, आप मुझे बताओगे, खुद ही बताओगे कि हाँ तुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद बहुत सारे लोग मेरे जैसे ही बनाते होंगे, लेकिन मुझे लगा कि अब तो मैं जैसे जो करती हूँ वो जैसा है, अब तो आपसे शेयर करना बनता है मेरा। तो मेरा जैसा है कुकिंग का स्टाइल, जैसे मैं बनाती हूँ नॉर्मल जैसा भी बनाती हूँ, मुझे लगता है आप लोग के साथ शेयर करो तो शायद आप लोग को भी काम आ जाए, और उसमें कुछ बदलाव लाना होगा। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके लिखो कि मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करने से होता है, मेरे से ज़्यादा लोग जानकार हैं, मेरे से ज़्यादा लोग बहुत कुछ जानते हैं, तो मुझे आप लोग से भी सीखना है। आप लोग भी मुझे बताना कि इसमें और कुछ करते हैं, आप लोग कैसे बनाते हो, इन शॉर्ट आप लोग बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो, तो फिर मुझे भी उससे कुछ नॉलेज मिलेगा, तो फिर मैं भी उसमें कुछ अपना उस स्टाइल से, फिर आप लोग के स्टाइल से फिर मैं भी ट्राई करूँगी। ठीक है, तो फिर इसको रेड होने तक फ्राई करना है, उसके बाद फिर मैं आगे का बताती हूँ। तो इसके लिए, इसके इस सब्जी के मसाले के लिए मैंने दो टमाटर लिए हैं, देखो एक बड़े साइज का, एक इससे थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको धो के कट कर लेती हूँ। तो ये मेरा सिंपल सा पतला सा दाल मेरे घर में, तो इनको तो मेरे हस्बैंड को तो थोड़ी गाढ़ी दाल पसंद है, लेकिन पापा मम्मी सबको ऐसे पतला दाल ही पसंद है, तो फिर मैं उनके भी पसंद का ख्याल रखती हूँ, तो फिर मैं पतला ही दाल बनाई हूँ। और वैसे भी ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली जैसी सब्जी है ना,
तो इसके लिए फिर मैंने ऐसे दाल बनाया। तो हमारी मेरी दाल बन गया, अभी मैं इसको छौंका लगा देती हूँ। मैंने दाल बनाया था ना, उसी कुकर को खाली कर ली हूँ, थोड़ा पानी से ऐसे धो ली हूँ, अभी उसी कुकर को चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसी कुकर में ये सब्जी, तो अभी तेल गर्म हो गया, मैंने 2 चम्मच के बराबर तेल लिया है, इसमें करी पत्ता डाल दूंगी, जीरा, जीरा पक जाए तो इसमें थोड़ा सा हींग, अगर आपके पास करी पत्ता हो, सॉरी तेज पत्ता हो तो आप तेज पत्ता डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने करी पत्ता डाल दिया, और एक सूखी लाल मिर्च। ठीक है, अभी इसमें मैंने जो 2 टमाटो लिया था उसको कट कर लिया, नमक स्वाद अनुसार नमक डाल लेना, और हल्दी। नमक डालने से क्या होता है, हमारा टमाटर जल्दी पक जाता है, तो मैं नमक हल्दी डाल के थोड़ा सा टमाटर को गलने तक पकाती हूँ। तो अभी मैं इसको ढक दूंगी, ढक के गलने तक इसको पकाऊंगी। टमाटर का क्या कंडीशन है, टमाटर पक गए हैं और थोड़ा सा कसर है, एक बार और ढक के थोड़ी देर पकाती हूँ इसको। ठीक है, और ये लो फ्लेम पे पकाना है, एकदम भी लो नहीं, लेकिन हाँ लो फ्लेम पे ही पकाना है, तेज हाई फ्लेम पे मत पकाना, नहीं तो टमाटर जल जाएगा। सॉरी, मैं टमाटर भुनने के बाद का वीडियो पता नहीं कैसे सूट नहीं हो पाया, तो मैं मुँह से बता देती हूँ कैसे क्या क्या मैंने डाला इसमें। तो टमाटर जब जल गया था तो मैंने इसमें 3 टीस्पून ये वाले चम्मच से मैंने 3 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, और 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर डाला है, और थोड़ा सा एवरेस्ट गरम मसाला। ठीक है, नमक हल्दी तो मैं पहले ही डाल चुकी थी, तो अभी मैं इसको थोड़ा देर ढक के पका। और जैसा कि आप सबको पता है, जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, तो मैं मसाला भूनते वक्त क्या डालती हूँ, एनी गेसेस? चलो, जो रोज देखते हैं मेरा वीडियो उनको तो पता ही होगा, तो मैं मसाला भूनते वक्त क्या डालती हूँ, थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, अभी इसको भूनना है, थोड़ा तेल छोड़ दे, उसके बाद फिर हम इसमें डाल। तो जब तक फिर ये मसाले भून रहे हैं ना, तो मैं तब तक थोड़े बर्तन है ना, मैं उसको धो के निकाल लेती हूँ। मैं बर्तन छोड़ती नहीं हूँ, जैसे जब भी देखो मैंने मसाला भून रहे हैं, थोड़े से बर्तन से तो मैं निकाल लेती हूँ। अगर हम इसको छोड़ देते हैं ना, तो ये हमारा एक बर्डन हो जाता है, बर्तन ये भी इतने सारे इकट्ठे हो गए बर्तन, अब इसको वो सर चटनी फिर हो जाता है, इतने सारे बर्तन। तो जैसे जैसे मौका मिलते रहते हैं, मैं अपने बर्तन सारे धो के निकालती रहती हूँ, बर्तन के लिए मैं बर्डन नहीं लेती हूँ। तो फिर ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, बर्तन इकट्ठा कर लो फिर लो, एक और बड़ा काम। तो जब तक मसाला भूनेगा तो मेरे बर्तन हो जाएंगे, क्यों ऐसे फ्री बैठने का, फ्री बैठो, अपना काम किचन का सारा काम साफ समेट लो, उसके बाद फिर बैठो, फिर उसके बाद आपको अपने लिए जो करना है आप करते रहो, है ना। तो चलो मैं फटाफट बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर बताती हूँ आगे का। तो देखो मैंने सारे बर्तन धो लिए, बर्तन भी धुल गया, और इधर तब तक मसाला भी भुन गया। देखा, ये मसाला सब्जी में मिक्स हो गया है, अभी हम इसमें पानी डालेंगे। आपको जिस हिसाब से पानी रखना है, अगर आप रोटी के लिए
बना रहे हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा पानी डालो, और अगर राइस के लिए बना रहे हो तो थोड़ा कम भी डालोगे। जब तो मैं राइस के लिए बना रही हूँ तो मैं थोड़ा ही पानी डालूंगी। देखो मैंने इतना पानी डाला है, अभी मैं इसको एक सीटी होने तक पकाऊंगी। अब इसको मैं ढक के एक सीटी लगा दूंगी सब्जी में, ठीक है। ये देखो सीटी लग गई। चलो फिर सब्जी का रंग रूप देखते हैं। देखो कितना सुंदर कलर आया है ना। ये कुकर में बनाने से ना सब्जी का रंग पता नहीं बहुत सुंदर आता है। और कोई भी चीज़ पहले हम आँख से खाते हैं, उसके बाद जवान से खाते हैं। जो चीज़ आँखों को देखने में अच्छी लगती है वो हमारे जुबान को भी अच्छी लगती है। तो देखो आप ही बताओ ना कितना अच्छा लग रहा है, मस्त बना है ना। सच में कोई बोलेगा नहीं ना कि इसमें प्याज लहसुन नहीं है। बिना प्याज लहसुन का ये सब्जी बहुत टेस्टी होता है। परवल का सिंपल है, सबको ही जब बनाते होंगे और बनाते ही होंगे, ऐसे ही बनाते होंगे। लेकिन मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करूँ तो मैं कर रही हूँ। अभी इसको मैं दूसरे बर्तन में खाली कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये देखो कितना सही है। अभी इसको मैं धनिया पत्ता से थोड़ा सा गार्निश कर लूँगा। देखो तो देखो जब तक सब्जी वो हो रहा था तब तक देखो मैंने ये सारा गैस साफ कर लिया। ये देखो स्लैब सब क्लीन कर ली। अभी सिर्फ रह गया ये कुकर, एक यही बर्तन, ये धोने को रह गया और सारे। तो मेरा किचन से मैं छुट्टी हो गया, खाना बन गया, किचन क्लीन हो गया। अभी जस्ट फिर अगर जो लोग खाना खाएंगे उनको दे दूंगी खाना, और उसके बाद किचन से आराम छुट्टी। तो मैं तो ऐसे ही मैं सुबह का काम करती हूँ, किचन ऐसे ही समझती हूँ, ऐसे ही अपने सुबह का फटाफट कोशिश करती हूँ कि मैं अपना काम फटाफट समेट लूँ, ताकि मुझे अपने लिए कुछ थोड़ा टाइम मिल सके अपने लिए। कि अभी तो मेन चीज़ है कि अभी अपने बच्चों को खुद से ही पढ़ाना रहता है, तो उस पर भी फोकस करना है। तो मेरा यही रहता है कि अगर मैं किचन से जल्दी फ्री हो जाऊँगी तो मैं अपने बच्चों पर ध्यान दे पाऊँगी। तो चलो किचन से छुट्टी। तो इधर मैंने श्रेयांश और पीयू को खाना दे दिया है, वो दोनों खाना खा रहे हैं। हेलो पीयू, हेलो बोलो। पीयू आप बताओ, अच्छे से खा लो, फिर उसके बाद क्या करना है खाना खाने के बाद? श्रेयांश आप बोलो। पीयू आप, अच्छा टीवी ना, तुझे तो पढ़ाई से कोई लेना देना है ही नहीं। चलो फिर ये लोग खाना खा लेते हैं। हमने ये वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको खाना देके आ गई हूँ, वो दोनों खाना खा रहे। तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर दो प्लीज। चलो फिर ऑल ऑफ यू बाय, टेक केयर।